नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी को पानी पिलाकर कर सकते हैं अपने वश में। जी हाँ, सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है लौंग और पानी, और दो लौंग से हो जाएगा आपका वशीकरण। चाहे कोई लड़की हो या कोई लड़का, या फिर आपका रूठा हुआ प्रेमी जो कि आपसे बहुत सालों से नाराज हो, आप उसे भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्यार से भर सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रेमी है वो हमसे इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है एक तरफ से। लेकिन आपकी तरफ से वो ख़त्म नहीं हुआ होता है, आप अभी भी उस व्यक्ति को उतना ही प्यार कर रहे होते हैं जितना उससे शायद कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं अपने रूठे हुए प्यार को वापस लाना, चाहे वो रूठा हुआ बॉयफ्रेंड हो, रूठी हुई गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपका पति अगर आपसे रूठ गया हो या आपकी पत्नी आपसे रूठ गई हो, तो आप उसे कैसे मना सकते हैं बहुत ही आसानी से? जी हाँ, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एक गिलास पानी और ये लौंग। दो लौंग का इस्तेमाल करना है आपको, और दो लौंग इस तरह से होनी चाहिए, इनके ऊपर ये जो इनका फूल होता है वो लगा हुआ होना चाहिए। आपको इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको स्वच्छ हो जाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, और उसके बाद आपको ये रात के समय इस उपाय को करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको उसके बारे में सब अच्छी बातें सोचनी है, अपने मन को पूरी तरह से शांत करना है, और अपने मन में वो विचार लेकर आने हैं जो उस समय थे जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप के समय जो आपने अच्छा समय बिताया, आपको वो सब याद करना है, और उसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है लौंग के ऊपर। लौंग के ऊपर आपको मंत्र पढ़ने के बाद उस लौंग को पानी के अंदर डाल देना है, और उसके बाद इस पानी को आपको रात भर छोड़ देना है। अपने बिस्तर के पास ही आप इसे रख दीजिए, और उसके बाद अगली सुबह आपको ये पानी उस व्यक्ति को पिला देना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, इस तरह से आपका ये वशीकरण पूरा हो जाएगा और वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर इस वशीकरण के उपाय को करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि आपको मंत्र बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। मंत्र का जो उच्चारण आप करेंगे वो सही होना चाहिए, तभी ये उपाय काम करता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो मंत्र आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो मंत्र क्या होगा। तो मंत्र है, ओम नमो काला मैरू काली रात, काला चाला आई रात, काला रे तू मेरा वीर, पर नारी ते राखे सीर, वेरगी जा छाता धरल याव, सूती होए जो जगाए ल्याव, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मैं आपको ये मंत्र लिखकर भी बता देती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी इस मंत्र को पढ़ने में, और आपका जो कार्य है वो आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको ये मंत्र लिख के बता देती हूँ क्या है। मंत्र है, ओम नमो काला मैरू काली रात, काला चाला आओ रात, काला रे तू मेरा वीर, पर नारी ते राखे सीर, वेरगी जा छाती धरल्याव, सूती होए तो जगाए ल्याव, शब्द साचा पिंड
कांचा, फुरु मंत्र, ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का उच्चारण दोस्तों आपको करना है और इस मंत्र को ध्यान से देख लीजिए। इस मंत्र को आपको ज्यादा जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ 51 बार। इसे अपने सामने आप लिख के रख लीजिए और उसके बाद आपको इसे 51 बार पढ़ना है। और उसके बाद जो लौंग आपने हाथ में ली होंगी उसे पानी के गिलास में इस तरह से डाल देना है और उसके बाद पानी के गिलास को अपने सिरहाने पर रख के सो जाना है। सुबह उठकर आपको ये पानी उस व्यक्ति को पिला देना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर वो व्यक्ति आपको नहीं मिलता है, आप उससे दूर रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस पानी को ले जाकर आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देना है। जी हाँ, अगर आपको वो व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपके पास उस प्रेमी का कॉल आएगा। वो आपसे मिलने के लिए समय मांगेगा, आपसे मिलने के लिए वो बेताब हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मैंने आपको ये मंत्र बताया जिससे आपका काम ज़रूर होगा, तो आप इस उपाय को कीजिए। और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।